आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस फिक्शंस के बारे में। साइंस फिक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्शंस होता है इंग्लिश लिटरेचर में, और कभी कभार इससे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस कम पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। तो जैसे कि यहाँ पर साइंस फिक्शन नाम से ही एकदम क्लियर हो जाता है कि ये जो उपन्यास होते हैं साइंस फिक्शंस पर ही आधारित होते हैं। साइंस फिक्शंस मतलब आप जानते होंगे कि जो साइंस फिक्शन किसी न किसी एक ऐसे विज्ञान से संबंधित फिक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू आइज़ैक असिमोव, यहाँ पर आइज़ैक असिमोव एक बहुत ही फेमस राइटर है जिन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज और भी बहुत कुछ लिखा है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि साइंस फिक्शन कैन बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ लिटरेचर विच डील्स विद अ रिएक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो अंग्रेजी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो कि ह्यूमन के रिएक्शंस को दर्शाती है साइंस और टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में, चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में। जैसे कि अगर हम कोई एग्जाम्पल लें कि न्यूटन ने कोई ग्रेविटी की खोज करी थी, तो उनके पूरा जो भी विस्तार से वर्णन की कैसे उन्होंने एप्पल गिरा और फिर उन्होंने कहाँ पर जाके क्या किया, तो ये सारी चीज़ें पूरी अगर हम इस चीज़ को कहानी के रूप में लिखेंगे तो साइंस फिक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। दीज नॉवेल्स आर मोस्टली रिलेटेड टू विद द नॉन सुपर नेचुरल, इसमें ये सारी नॉवेल्स जो भी होती हैं नॉन सुपर नेचुरल से संबंधित होती हैं। कंटेंट्स सच एज स्पेस ट्रेवल एलियंस, ये सब कुछ ऐसी चीज़ों से संबंधित हो, जैसे कि स्पेस हो गया और ट्रेवल से संबंधित, एलियंस की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, एजेक्ट्रा की बात करें। उसके बाद में हम लोग आते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स के बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द मेन एग्जांपल्स ऑफ साइंस फिक्शंस आर 1984 बाय जॉर्ज ऑर्वेल के द्वारा 1984 लिखा गया है, ठीक है। आई रोबोट माय आइज़ैक असिमोव, आई रोबोट माय आइज़ैक असिमोव के द्वारा भी लिखा गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हर वीडियो की तरीके एक बार फिर भी यहाँ पर फिर से दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ दिख रही हो तो प्लीज़ आप लोगों को इसको अपनी फुल HD स्क्रीन में करके ही देखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी फिक्शंस के बारे में बात करेंगे।